हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रफ़ीक अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक हैं। और सुबह देखिए सो के उठ गया हूँ और आज जो है बच्चों का कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, तो आज मैं इन लोगों को कहीं ले जाऊँगा। अब थोड़ी देर बाद मतलब अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, अब देखते हैं नहाने वहाने के बाद फिर जो है ले जाऊँगा। अब ये फाइनली निकल चुका हूँ बच्चों को लेके और जा रहा हूँ फरीदाबाद। वो सूरज कुंड मेला जो है वो बच्चों को दिखाने के लिए आज पहली बार सूरज कुंड मेला मैं भी देखूँगा। तो सूरज कुंड मेला बच्चों को ले जाके दिखा रहे हैं और क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या मिलता है और किस तरह से है वो बच्चों का सूरज कुंड मेला जाने के बाद दिखाऊँगा। और साथ ही साथ आप लोग भी बने रहें, आप लोगों को भी सूरज कुंड मेला जो है दिखाने वाला हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। पार्किंग तो पहुंच गई लेकिन पार्किंग वाकई में बड़ा कॉस्टली है। 150 रुपीज़ 4 घंटे के, ये थोड़ा ज़्यादा है। और खेत खलिहानों में इनके पास देख रहे हो जगह की कमी नहीं है, फिर भी 150 बहुत ज़्यादा है। ये रहा, ये पार्किंग है इनका, 150 रुपीज़ जो है चार्ज है, पूरा पार्किंग है। पार्किंग की वैसे दिक्कत आएगी नहीं, जगह बहुत है। और अब मेला चलते हैं और मेला के अंदर देखते हैं क्या है वाकई में अच्छा या नहीं है। क्या चीन है ना, मेला में क्या क्या करने वाले हो? जो भी है सब। चलो देखते हैं क्या क्या है। वो किस टाइप का मेला है, मतलब कपड़े वपड़े या खेल? सब कुछ, सब कुछ एक्टिविटी है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ था तो स्कूल बस सही, शायद स्कूल के बच्चे भी आए हैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, बाकी पता नहीं, मैं ऐसे ही गेस कर रही हूँ। अभी एंट्री गेट पे टिकट चेक करा दिया, ऑनलाइन वैसे टिकट बुक कर लिया था मैंने, और अफशिन का टिकट लेना नहीं था मगर मैंने ले लिया था। अगर इतनी बड़ी बच्ची हो तो टिकट आप लोग ना लें। ये देखिए यहाँ पे इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी खड़ी है और ये पूरा चार्ट लगा रखा है कि 7 बजे शाम से लेके क्या कौन सा प्रोग्राम होने वाला है, ये पूरा लिख रखा है, बोर्ड में चिपका रखा है इन्होंने। और ये मेला जो है 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा, तो 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में इनका सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होगा वो क्या क्या होगा, कौन कौन आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। तो आज हम लोग 21 तारीख में आए हैं तो देखिए आज इसमें हमारा कुछ प्रोग्राम होगा, वो दिखाएंगे आप लोगों को। जादूगर है सम्राट जादूगर, वो आज आने वाला है तो वो दिखाएंगे। और व्यवस्था तो आप पब्लिक से ज़्यादा तो पुलिस ही नज़र आ रही है, काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है और अच्छी है, चीज़ है, अच्छी बात है, टाइट रहनी भी चाहिए। कोई उत्पात मचाने वाले या कोई वैसे ही ख़राबी पहुंचाने वाले लोग घुस आते हैं और दिक्कत हो जाती है। के अंदर जो है सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, इंतज़ाम बहुत अच्छा है और ना तो पार्किंग की दिक्कत आएगी, ना तो आपको पीने वाला पानी अगर साथ में नहीं है तो वो भी आपको यहाँ पे जगह जगह जो है वाटर फिल्टर लगा रखा है, आप ठंडा पानी निकालें और पीते रहें। और ये इनका गेट है, दूसरा गेट, और इस गेट के उस तरफ जो है वो पूरा फूड कोर्ट है और इधर जो है ये सारे गारमेंट से रिलेटेड सूट, कश्मीर का वो शॉल, ये सारी चीज़ें जो है इस तरह के स्टॉल बने हुए हैं और सारी चीज़ें मिल रही है। ये देखिए दुपट्टा जो है लेकिन कॉस्टली है भाई, ये खोल के दिखाना, दुपट्टा खोल के दिखाना कैसा है ज़रा देख लूँ। साइज़ तो काफ़ी, हाँ साइज़ फुल साइज़ है मगर महंगा है। और ये अब देखिए अचार वगैरह भी है जो होममेड अचार तैयार करके और स्टॉल लगाया है बेचने के लिए, तो होममेड अचार भी है यहाँ पे। और बच्चों के लिए ये की रिंग और ईयर रिंग, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो है बच्चों के लिए भी एक अलग से नीचे ग्राउंड में वो झूले वगैरह इस तरह का लगाया हुआ है, लेकिन अब अफशिन को नहीं लेके जाऊँगा। तो बाकी इस तरह से ये देखिए कश्मीर का बादाम और ये मुनक्का किशमिश, शिलाजीत, केसर, ये सारी चीज़ें कश्मीर के स्टॉल में रखा हुआ है। तो ओवरऑल जो है मेला का डिज़ाइन बिल्कुल गांव के लुक में है,
कि जैसे आप गांव में पुराने जब जाते थे मेला देखने, तो उस थीम पे बेस है। जैसे कि गांव पे लोग जिस तरह से एक मेला लगता है, ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड होता है, बस उसी के थीम पे ये मेला को आयोजन किया गया है। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चों के खिलौने टाइप के भी हैं, लकड़ी से बना हुआ घोड़े, डॉग, और इस तरह का लकड़ी का तोप, और छोटे छोटे बेलन, चकले, खाट, ये बच्चों के आइटम हैं। ये देखो, ऐसे मसाजर है। ये इनकी शॉप का नाम, आपकी शॉप का नाम क्या है? शॉप का नहीं, वो स्टॉल नंबर चलते हैं। अच्छा, स्टॉल नंबर। ये अपना जॉइंट पे, ये तो सिर्फ बाल है। इस चेयर्स होते हैं ना, देखो मैं आपको हाथ रख के दिखाऊंगी तब पता। देखो मेरा हाथ हिल रहा है ना, ये यहाँ पे ऐसे लगे रहते हैं। ये मसाज स्पाइनल से ही है, ये तो यहाँ पे और भी है, हैंड्स के मसाज के लिए भी, पैर के लिए भी। और आप घर में जैसे किसी को डायबिटीज वगैरह रहता है या जैसे पेट की चर्बी बढ़ जाती है, सुबह फ्रेश होते हैं ना, उस टाइम एक गिलास गर्म पानी, थोड़ा नींबू और एक दो बूंदे उसकी शहद की, हनी की, मिक्स करके पी लीजिए और ऐसे घुमाइएगा। आप 10 मिनट सुबह शाम घुमाएंगे ना, एक हफ्ते के बाद आपका चर्बी है ना वो भी कम होगा और डायबिटीज भी कम होगा। देख लिया वो हमारे मतलब के लिए, हम पार्क जाके अपने, ये रहेगा हैंड मसाज के लिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं इसमें। ठीक है, वैसे सही है, जिनके हड्डियों में दिक्कत है ना उनके लिए सही है। ये तो कोई भी बच्चे कार चलाएंगे, मसाज करते रहेंगे साथ में, मसाज भाई साहब चलाएंगे तो ठोक देंगे आगे ऐसे। क्या मसाज और ये ट्रक गाइड होगी। मैं तो एसी नहीं चलाता हूँ, कहीं नींद ना आ जाए, गर्मी में ड्राइव करता हूँ। ये फोन से कंट्रोल होता है? सॉरी, ये फोन से कंट्रोल होता है? नहीं नहीं, एसी डीसी कनेक्शन लगा हुआ है इसमें। अच्छा, चार्जेबल होता है? हाँ। हम लोग पीछे एक एक बच्चा खो गया है। हम लोग पीछे जा रहे हैं उधर। थोड़ी देर बैठे रहते हो, आपके पास छोटे बच्चे आए हैं तो आप उसका विशेष ध्यान रखें, अपने हैंड बैग का, अपने सामान का खास ख्याल रखें। अगर आपके साथ बच्चे आए हैं मेले में तो सबसे बेहतरीन आइडिया ये बता रहे हैं यहाँ पे अनाउंस करके कि ये अपना फोन नंबर लिख के बच्चे की जेब में पर्ची डाल दें, या तो आप जो है उसको रटा दें अपनी मोबाइल नंबर, ताकि जो है अगर बच्चा खो भी जाए, वैसे तो आज वर्किंग डे नहीं है तो आज बच्चा नहीं खोएगा, आज बस खाली बस खाली खाली सा पड़ा हुआ है। सॉफ्ट सॉफ्ट है। फायर पैन खा के देखो, एक वीडियो लेने को। छोटे बड़े छोले भटूरे आ गया, ये देखो। आलू वाले खा के बताओ कैसा है। वो ऐसा भी खाओ ना, घर जैसा लड़ो मत। ये लो, दोनों से एक एक बाइट दूंगा मैं। बहुत गर्म है, अभी अभी निकल के निकला है। आप कैसे खा रहे हो? छोले भटूरे जो है इनका बहुत अच्छा है, बिल्कुल गरम गरम, और भटूरे जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छा है। 100 रुपीज़ का एक प्लेट है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, मतलब दो लोग आराम से खा सकते हैं, और टेस्टी भी है। इस तरह से जो है ये पूरा जो है इनका खाने का फूड कोर्ट है, और हर तरह का फूड, और हर तरह का जो है आपको स्टेट का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, हर एक स्टेट का यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। बस आपके जेब में पैसे रहने चाहिए, बस पैसे से टोकन लो
और जो आइटम आपको पसंद आता है खाने का उसको टोकन पकड़ा और खाना ले लो भाई, ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया। अब ये घर आ गया, बच्चे भी थक गए, मैं भी थक गया, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।